साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। पीडीए प्लस फार्मूला लाए अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए के विस्तार का फार्मूला अपना रही है। अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का नारा लोकसभा चुनाव में खूब हिट रहा। पीडीए के दम पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की और अब जब वह दिल्ली पहुंचे हैं तो पीडीए का विस्तार करने में जुट गए हैं। पीडीए के बाद अब अखिलेश यादव इसमें ब्राह्मण को भी जोड़ने लगे हैं, यानी पीडीए का एक्सटेंशन दिखाई देने लगा है। अखिलेश यादव ने यह प्रयोग दोनों सदनों में किया है। लखनऊ के विधानमंडल दल में समाजवादी पार्टी की नियुक्तियों और संसद में संसदीय दल की अलग अलग नियुक्तियों से यह साफ है कि अखिलेश यादव अब 2027 की तैयारी में पीडीए प्लस यानी पीडीए से आगे बढ़कर एवीडीपी यानी अल्पसंख्यक ब्राह्मण दलित और पिछड़े का कॉम्बिनेशन बनाने में जुट गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या दलित व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त हो गया है, ऐसे में आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है। उन्होंने भाजपा कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि एससी एसटी व ओबीसी लेकर दोनों दलों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर कहा कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन इस बार भेदभाव मुक्त हो पाया है। बता दें कि आरक्षण को लेकर बृहस्पतिवार को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी कोटे के भीतर कोटा को वैधानिक करार दिया है और क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने की बात कही है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल के फटने से तबाही मची है। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में पिछले दो दिनों में बारिश संबंधी घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है और बड़ी संख्या में ज्यादा लोग फंसे हैं। रात के समय भी रेस्क्यू अभियान जारी रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया। अभी तक हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 4000 से अधिक भक्तों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और अभी तक 280 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। कांग्रेस नेता एवं वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी बांड्रा गुरुवार को केरल पहुंचे। दोनों ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने कहा कि उन्हें आज वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा अपने पिता राजीव गांधी की मौत पर हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी दिलचस्पी इस वक्त राजनीति में नहीं वायनाड के लोगों में है। राहुल गांधी ने कहा, यह वायनाड के लिए, केरल के लिए और देश के लिए एक भयानक त्रासदी है। हम यहाँ स्थिति को देखने आए हैं। यह देखना दर्दनाक है कि कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों और अपने घरों को खो दिया है। हम मदद करने की कोशिश करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बचे हुए लोगों को उनका हक मिले। खबर बरेली से है जहां बरेली में सपा नेताओं ने जबरन प्लाट पर दीवार खड़ी कर कब्जा करने की कोशिश की। कब्जा छोड़ने के बदले 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। पीड़ित ने सुभाष नगर थाने में 9 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि उन लोगों ने रविंद्र से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। सुभाष नगर थाने में निरंजन त्रिलोकी, अकील, अविनाश मिश्रा, समर्थ मिश्रा, नीरज मिश्रा, राम भरोसे, मुनेंद्र उर्फ बंटू और राजवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं इस मामले में सपा के जिला अध्यक्ष समर्थ मिश्रा ने बताया कि यह FIR रविंद्र प्रताप सिंह ने प्रशासन को गुमराह कर कराई है। हमारे परिचित लोगों ने उस जमीन का एग्रीमेंट कराया है, इसमें हमारी या हमारे पिता की कोई भूमिका नहीं है। रंगदारी या कब्जे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम इन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।